सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो जो है आप लोग के डिमांड पर बनाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट जो मुझे बार बार कॉल में मैसेज में पूछते रहते हैं, सर हमने जो 12वीं पास आउट कर चुका है या फिर पास आउट करने वाले हैं, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है, हमें आगे चलकर किस चीज़ की नौकरी करना चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करना चाहिए, कुछ हमें सजेशन दीजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग आगे क्या करें। तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से आप लोग देख लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग बता दें, ये वीडियो जो है स्पेशली आर्ट्स वाले के लिए है। अगर आप लोग साइंस से या फिर कॉमर्स से पास आउट करने वाले हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आगे वीडियो बना दूंगा उसका। बाकी ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग अच्छी तरह से एक बार ध्यान से आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले आप लोग के एक जो डाउट रहता है हमेशा, जो कि आपके रिलेशनशिप में ही बहुत सारे ऐसे होंगे लोग जो आपको बोलते होंगे, हमेशा पूछते होंगे कि आपने जो है किस स्ट्रीम से जो है 12th पास आउट किया, यानी किस चीज़ से आपने 12वीं का एग्ज़ाम दिया है। तो जैसे ही आप बोलते हैं कि आर्ट्स से पास किया हूँ, तो आपके जो जो पड़ोसी होते हैं या फिर कोई भी आपके रिलेशनशिप में होते हैं, वो सोचते हैं कि शायद ये बच्चा कमज़ोर है, और बाकी सब क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसका पढ़ने में इतना हिम्मत नहीं है, पढ़ने में इतना तेज़ नहीं है, जिस कारण ये जो आर्ट्स रखा होगा। तो ये गलत फहमी आप लोग उसके लिए दूर करा सकते हैं। यहाँ पे जो आर्ट्स वाले के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि अगर जितने भी लोग आर्ट्स में स्ट्रीम से, तो सर्वे के मुताबिक देखा गया सबसे अधिक जो है जितने भी जॉब पाए गए सबसे अधिक आर्ट्स वाले के लिए दिया गया है। बाकी आप लोग साइंस में आते हैं तो वहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर के, और एक सर्वे के मुताबिक ये भी आया कि जितने भी साइंस में लगभग गए हैं, बाकी 12वीं का एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे लगभग 50 से 60% लोग जो है वो आर्ट्स की तरफ रिटर्न हो जाते हैं। तो फिर फायदा क्या, हम लोग शुरू से अगर आर्ट्स की तैयारी करते हैं तो इसमें पैसे की भी बचत होती है, और आपकी जो है दिमाग में जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं 12वीं में पढ़ने के बाद, आपके दिमाग भी आर्ट्स की ओर ज़्यादा तेज होता है। बाकी साइंस वाले को क्या हो, दोबारा आर्ट्स फिर तैयारी करना पड़ता है। तो अगर आप लोग आर्ट्स अगर अभी से रखें तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर आप लोग को क्या करना है तो इस वीडियो में हम लोग बताने भी वाले हैं। बाकी आप लोग अपने कन्फ्यूजन को, अपने डाउट को दूर कर लीजिए, जो कि आप लोग नेगेटिव माइंड में रखें कि हम लोग आर्ट्स रखें फंस गए, हम लोग को आर्ट्स करके कोई ज़िंदगी में कोई नौकरी हम लोग को नहीं मिल पाएगी। तो ये आप लोग का गलतफहमी दूर रखिए। आप लोग को इस वीडियो में यहाँ पर जो बताने वाला हूँ, आप अगर आर्ट्स रख करके नौकरी को करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग सैलरी लगभग 50,000 से या 40,000 से स्टार्टिंग करके आप लोग को लगभग 1.5 लाख तक की सैलरी मंथली का हो सकता है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो को दो कैटेगरी में बांटता हूँ। एक ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति जो काफ़ी ख़राब है, वो चाहते हैं कि मैं 12वीं के बाद ही कोई जॉब पकड़ लूँ, मुझे कोई गवर्नमेंट या फिर किसी तरह का जॉब मिल जाए जिससे मेरी जो आर्थिक स्थिति जो ख़राब है, मैं पढ़ने नहीं पाऊंगा आगे चल के, या फिर मैं किसी अच्छे कोर्स के लायक नहीं हूं। तो उसके लिए जो है मैं दो ऑप्शन आप लोग के लिए लेके आया हूं। चाहे आप यहां पे किसी 12वीं लेवल पर गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, आपके लिए जो बहुत सारे वैकेंसी निकलते रहते हैं 12वीं लेवल पर, जैसे SSC हो गया, ब्लॉक लेवल पर, या फिर क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस लेवल पर, इस तरह के जो है जो 12वीं पास के लिए बहुत सारे वैकेंसी निकलते हैं, उसकी आप लोग तैयारी करके एक साल या दो साल में आप लोग उसका वैकेंसी अप्लाई करके आप लोग एक दो साल में उसका जॉब पा सकते हैं। बाकी दूसरा नंबर पर हम रखें इसमें ITI या फिर पॉलिटेक्निक, 12वीं के बाद या फिर 10वीं के बाद ये कोर्स होता है, एक डिप्लोमा कोर्स है, एक साल दो साल का होता है, आप लोग जिस हिसाब से रखेंगे। इसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं ITI में, अगर आप लोग उसके लिए एक वीडियो चाहते हैं सेपरेटली तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेटली वीडियो बता दूंगा कि आप लोग ITI में क्या होता है, पॉलिटेक्निक में क्या होता है, किस तरह आप लोग इसका कोर्स करना चाहिए, कहाँ पर एडमिशन करना चाहिए, कब इसका वैकेंसी मतलब क्या फ़ायदा होता है, कितना इसका इनकम होता है, नहीं होता है, इसके लिए मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को ITI या फिर पॉलिटेक्निक करना है कि नहीं करना, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी जो चाहते हैं कि 12 के बाद मुझे मतलब किसी नौकरी, तो दूसरा नंबर पर ITI को रखें हम, ITI या फिर पॉलिटेक्निक, आप लोग इसका एक साल या दो साल का डिप्लोमा कोर्स कर करके आप लोग जो है अच्छी खासी जो इनकम कर सकते हैं। बाकी जो आप लोग चाहते हैं हम लोग टॉप लेवल पर जॉब के लिए, जो कि हम लोग जो है थोड़ा जिसकी आर्थिक स्थिति कम है, उसके लिए मैंने बताया। बाकी जो है स्पेशली जो होता है आप लोग को 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, आप लोग को किस तरह की तैयारी करना चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए, किस तरह आपका इनकम जो है हाई होगा, नहीं का उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला नंबर पर हम लोग जो रखेंगे उसको रखेंगे BA, जो कि काफ़ी फेमस कोर्स है, आप सभी को पता होगा। ये जो है 3 साल के होते हैं, इसमें दो कैटेगरी होते हैं, BA प्रोग्राम और एक होता है BA ऑनर्स, ठीक है, यहाँ पे दो कैटेगरी होता है। आगे हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे, तो अगले वीडियो में हम BA के बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे कि BA करने के क्या फ़ायदे हैं, इसके बाद आप लोग क्या क्या जॉब मिल सकता है, कितने इनकम हो सकती है। यहाँ पे आप BA करने के बाद आपको 50,000 से लगभग 2 लाख तक की सैलरी का इनकम मिल सकता है अगर आप लोग BA करते हैं, तो आखिर क्या है उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल करेंगे। BA में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट से आप लोग को ऑनर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा कॉलेज में एडमिशन करना चाहिए, रेगुलर में करना चाहिए, डिस्टेंस में करना चाहिए, किस चीज़ की, इस चीज़ के बारे में सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए
कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट्स के बाद बीए करने वाले हैं तो उसको बीए के बारे में कुछ नॉलेज पता नहीं होगा, तो मैं बीए के बारे में सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। आप बताते हैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट में आपको बता दें कि बीए करने से आपको क्या होगा एलिजिबिलिटी। देखिए बीए जैसे करते हैं तो वहाँ के बाद आपको एक सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है आप लोगों का फेमस हो सकता है, आप लोग जानते होंगे आईएएस, जो नाम सुना होगा बचपन से काफ़ी लोग का ख्वाहिश होता है कि हमें आगे चल के जो है पढ़ाई करके हमें एक आईएएस बनना है। तो आईएएस बनने के लिए जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है उसका बीए है, यानी बीए करने के बाद ही आईएएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आईएएस एक अधिकारी होता है किसी भी स्टेट का हो सकता है या फिर सेंट्रल का हो सकता है। तो आप लोग अगर अधिकारी बन जाते हो इससे खुशी की बात आप लोग को नहीं है। एक आईएएस की जो सैलरी की बात करें तो मैक्सिमम कम से कम 1 लाख से 2 लाख 2.5 लाख तक भी इनकम हो जाती है महीने का, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से उसका रूम वूम सब कुछ होता है। तो आप लोग आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, इसमें पोजीशन भी एक अच्छा है। अगर आप लोग आईएएस बन जाते हैं तो आपके पूरे गांव में आपके पूरा पोजीशन खड़ा हो जाएगा, एक मतलब एक अच्छे जो गांव में तक नहीं हुआ होगा आपको बहुत ही ऊंचे दर्जे पे आपको देखा जाएगा, क्योंकि आईएएस अहमियत की बहुत ही बड़ी अहमियत होती है। तो पूरा आईएएस कर बनना चाहते हैं तो आप लोग अभी से आप लोग को उस चीज़ की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, यानी जब तक बीए कर रहे हैं बीए करने के साथ 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 में आप लोग अभी से जो है 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सभी एनसीईआरटी बुक को समाप्त कर दीजिए। बाकी रोज़ आप लोग करेंट अफेयर की नॉलेज रख दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप लोग बीए के साथ साथ 3 साल में पूरी इस तरह का तैयारी कर लेते हैं और 4th साल में आईएएस का जो एग्ज़ाम देंगे तो मैं आप 100% गारंटी सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होना ही। अक्सर होता है कि जो भी आईएएस बन के लिए ख्वाब रखते हैं डायरेक्ट बीए पहले करते हैं, बीए करने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। अगर आप लोग 12वीं के बाद से ही शुरू से शुरू तैयारी शुरू कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। 3 साल आप लोग तैयारी कीजिए और 1 साल आप लोग बाद में बीए करने का तैयारी करके आपको फॉर्म भर दीजिए और भरने के बाद आपको मैं गारंटी साथ करता हूँ कि आपकी सिलेक्शन पक्की रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आईएएस बन सकते सबसे बड़ी कोर्स है और दूसरा आपका टीचर के बहुत बीए करने आपको बहुत सारे टीचर के ट्रेनिंग मिल सकते हैं। और आगे हम वीडियो में जब बताएंगे तो बीए करने के किस सब्जेक्ट करेंगे तो क्या फ़ायदा होने वाला है तो वो अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स जो है वो है जर्नलिज्म, ये भी काफ़ी फेमस कोर्स है। इसमें जो है आप जो है ये इंटरनेट से संबंधित बहुत सारे जैसे मीडिया हो गया या फिर किसी तरह का न्यूज़ एंकर इस चीज़ के जो बहुत सारे जो स्कोप आने वाले हैं आगे के टाइम में, तो बहुत सारे आपको हेल्प मिलने वाले हैं इस चीज़ से, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं वो होटल मैनेजमेंट, इसमें भी होटल मैनेजमेंट ये भी काफ़ी स्कोप इसका आने वाला है भविष्य में टाइम में, मतलब आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे होटल मैनेजमेंट आपको कुछ खाना वाना बनाना नहीं है, उसमें होटल मैनेजमेंट बहुत सारे काम होते हैं जैसे मैनेजर का पोस्ट होता है बहुत सी चीज़ का। तो इसमें होटल मैनेजमेंट आगे बहुत डिमांड होने वाला है। यहाँ पे भी इसकी सैलरी की बात करें तो लगभग तकरीबन 70,000 से लगभग 1.5 लाख की सैलरी तक हो सकती है अगर आप अच्छे तो मतलब होटल मैनेजमेंट अच्छे तैयारी कर अच्छे तरह से इसका कोर्स पूरा करते हैं अच्छे नौकरी पर मिलता है। तो आगे नेक्स्ट जो है बीए एलएलबी कर सकते हैं, वकील वकील बन सकते हैं, जिसको अगर ख्वाहिश है कि हमें आगे बढ़ के वकील बनना है। वकील की भी सैलरी की बात करें तो मैक्सिमम जो है उसका सैलरी लगभग 2.5 लाख तक पहुँच जाता है एक वकील का, जो महीने का बात करें एक एक जो है वकील का लगभग सैलरी की मैक्सिमम की बात करें तो किसी का 5 लाख तक भी पहुंच सकता है, बाकी नीचे तो आपको लगभग 60,000 से 70,000 को भी देखने को मिल सकता है। तो एक बीए एलएलबी आप लोग कर सकते हैं। आगे जो है टीचर ट्रेनिंग कोर्स, इसका भी कोर्स कर सकते हैं 12वीं के बाद, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनिंग, तो ये सब कोर्स जो है मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि इस कोर्स को भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी सबसे मेरे अकॉर्डिंग जो है फेमस कोर्स की बात करें तो आप लोग बीए कर सकते हैं, बाकी आप लोग अगर कंप्यूटर में नॉलेज है आप लोग को तो बीसीए भी कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी को आगे की बात करें तो आगे बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड डेवलपर हो गया, बहुत सारे अभी जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है, तो आप लोग उसके लिए बीसीए कर सकते हैं। जिसको भी अगर मोबाइल से शौक़ है, कंप्यूटरिंग से शौक़ है, सॉफ्टवेयर से शौक़ है, तो उसके लिए सबसे अच्छा कोर्स की बात करेंगे तो बीसीए, क्योंकि आने वाले टाइम पर बीसीए का बहुत ही डिमांड होने वाला है। आप लोग अगर बीसीए कर ले तो एक एक जो लोग जो अगर बीसीए करके उसका अच्छा अगर नौकरी लग जाती तो एक एक घंटे का उसका लगभग 3 से 4 हज़ार तक डिमांड हो सकता है, बाकी महीने का तब तक तो छोड़ दीजिए, महीने का किसी का 7-8 लाख तक भी हो सकता है। अगर एक अच्छा बीसीए में अच्छा अगर आप लोग पकड़ बना लेते हैं यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो आप लोग अच्छी आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स हो सकता है बीसीए। तो आप लोग बीसीए भी कर सकते हैं, जिसको भी इस तरह का कंप्यूटिंग मतलब नॉलेज में क्या कहते हैं आपने आपको भरोसा है कि हम अच्छे कर सकते हैं कंप्यूटर में, तो ये कोर्स था। बाकी हम लोग अगले वीडियो में जो है सभी कोर्स को डिटेल समझेंगे। अगला जो वीडियो आने वाला है आप लोग बताइए क्या अगला वीडियो आना है, आप लोग चाहे पहले पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई पर चाहते हैं या फिर बीए पर चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है थोड़ा मेन टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आगे के वीडियो में। तो यहाँ पर मैं जो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा, बाकी अगर कुछ छूट गया हो तो मैं आप लोग अगले वीडियो में कवर कर दूँगा। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते रहते कि हम लोग को 12वीं के बाद क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं रहा, सो स्पेशली मैं उसी के लिए वीडियो बनाया था। अगर आप लोग साइंस या फिर कॉमर्स से पास आउट किए हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जो अगला वीडियो जो है उन्हीं लोग के वाले बनाऊँगा।
जो भी साइंस या फिर कॉमर्स से पास आउट किए हैं। तो ठीक है, यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त करने वाले हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त अगर कोई है तो उसके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी ये वीडियो से फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।